हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे हैं और गोरखपुर से कानपुर पहुंच गए हैं। आज थकान हो गई थी रात में, और जो रात वाला सीन था ट्रेन में कि बॉम्ब की धमकी मिली थी और काफी ज्यादा गोंडा स्टेशन पे चेकिंग हो गई थी, तो उससे तो हम लोग थोड़ा डर भी गए थे। बाकी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। चेकिंग वगैरह होने के बाद 3 घंटे एक ही स्टेशन पर रुके चेकिंग के होने के बाद, फिर ट्रेन वहां से चली थी। उसके बाद लखनऊ में भी थोड़ी देर चेकिंग हुई थी, और फिर कानपुर में तो हम लोग उतर ही गए थे। लेकिन हो सकता है कि कानपुर में भी चेकिंग हुई हो, लेकिन हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं पता है। तो जब हम लोग गए थे तो फिर जो मिस्री थी वो बुआ बुआ बहुत याद कर रही थी। और देखिए, जैसे ही हम लोग आए हैं तो ये भी घर चली आई हम लोग के। आप लोगों को दिखाती हूँ, और देखिए, मतलब मैं यहाँ पे भी पूजा करके गई थी। एक दिन पहले निकली तो फिर भी मैंने कहा कि मैं यहाँ पे भी थोड़ी सी पूजा करके जाऊं। तो बस अभी ये भगवान जी लोगों के साथ ही खेल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। मिस्री, क्या कर रही हो? भगवान जी को इस पे बिठा रही हो? क्यों? तो देखिए फ्रेंड्स, भंग बाबा को भगवान जी नहीं बोल पाती है, तो बोल रही है भंग बाबा को इसमें सर्दी लग रही थी, इसलिए उसमें अंदर बिठा रही है। और भगवान जी के कपड़े वगैरह सब उसी में रख लिए, और इतनी देर से खेल रही हैं। क्या कर रहे हैं भगवान जी? वो कह रहे हैं मुझे खाना नहीं खाना, आप खा लो। अच्छा, भगवान जी खाना खा रहे थे। अच्छा, तो का यही होता है, बच्चे ना समझ होते हैं, कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो देखिए, ये इनके साथ कोई नहीं खेलने वाला, तो भगवान जी के साथ ही खेल रही हैं। क्यों मिश्री? किसकी मम्मा? किसकी? कौन है इसकी मम्मा? अच्छा, ये देखिए गन पप्पा, ये गन पप्पा क्या हुआ? काले हो गए गन पप्पा? नहला दें? ठीक है, नहला देंगे एक दिन। फ्रेंड्स, वैसे तो हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, और अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। जब गई थी यहाँ से तो सब्जी वगैरह सब खत्म करके गई थी, खत्म थी ही तो मैं लाई नहीं थी। अब आज शाम को जाऊंगी मार्केट सब्जी लेने। बाकी का जो आलू वगैरह रखा था, प्याज लहसुन रखा था, तो मैंने सोचा कि लाओ तहरी बना लूं। तो अभी मैं कर रही हूँ तहरी की तैयारी। और ये तो सर पे तकिया रख के सो रहे हैं, क्योंकि रात में सोए नहीं हम लोग। और यहाँ पे कानपुर में भी जब घर तक पहुंचते पहुंचते 3:30 तो बज ही गया था हम लोगों को। और फिर 3:30 बजे जब कुछ नहीं खाया था नाइट में, हम लोग लगा था कि 11 बजे तक पहुंच जाएंगे तो घर जाके ही खाना खाएंगे, पर ट्रेन ने लेट कर दिया। तो फिर घर आने के बाद समझ लिया हम लोगों ने मॉर्निंग 3:30 बजे खाना खाया था, और उसके बाद 4:30 बजे हम लोग सोए हैं। उठे भी हैं, मैं भी आराम से उठी थी, पर इनको और ज्यादा नींद आ रही है तो ये अब भी सो रहे हैं। तो मैं तहरी बना लूं और फिर इनको जगाती हूँ, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। अभी भी लेट सोकर उठे थे, फिर लेट नाश्ता भी किया, तो अभी भी 3 बज रहा है। और मैं तैरी बनाकर फिर इनको भी जगाऊं, खाना खाएंगे हम लोग। इवनिंग में मार्केट भी जाना है। मिश्री, आप ये क्या पहने हो? क्या शरारा पहनी हो? अच्छा, चाचूपा आ गया, दरवाजा खोल के आओ। ठीक है फ्रेंड्स, की मेरी मिस्री के चाचूपा कौन है, दरवाजा खोलने गई हुई। गए मिस्री के चाचूपा, इधर देखो। ए चाचूपा, मिस्री चाचूपा कहाँ है? ऐसे कर रहा है। घर में सिर्फ मुझे ही एनिमल्स बहुत पसंद हैं, और मेरे बाद अब मिस्री को भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसकी पसंद भी मेरे ही जैसी है। ये मिस्री के पास और कोई तो नहीं है खेलने के लिए, ये घर में अकेली बच्ची है। पर ये सारा दिन लैरी के साथ ही खेलती रहती है, इसीलिए अपने चाचूपा के साथ में। को खाने हाँ, ये लो।
रहा था ये? चप्पल चप्पल पहन रहा था ये? ए पहन लारी, बुआ की चप्पल अपल ना पहना करो। क्या हो गया चाचू पा? क्या ये देखिए, इटावा की भी लैंग्वेज बोलती है, कानपुर की भी बोलती है। कहाँ देख रहा हो? मल्टी टैलेंटेड गर्ल है। ये देखिए, सो के उठे हैं, तैरी खा के बैठ गए, फिर भी लेकिन इनको नींद आ रही है। नींद बहुत आ रही है। हो गई है शाम और आज है शनिवार, मुझे याद आया अचानक से। तो वैसे इनकी जब जॉब से छुट्टी नहीं रहती तो फिर मैं नहीं जा पाती थी, वैसे मैं हर शनिवार को मंदिर में दीपक जलाने जाती थी, तो मैंने सोचा आज चली जाऊं। कल से फिर जॉब पर जाने लगेंगे तो इन्हें कल से फिर टाइम नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आज मैं शनिवार का मंदिर, 2-3 शनिवार को निकल गए थे, नहीं जा पाई थी, इसीलिए आज मैं फिर जा रही हूँ मंदिर दीपक जलाने। तो उसी के लिए बस तैयार हूँ, चलें? चलते हैं मंदिर। ठीक है, सब कुछ ले लिया ना? ठीक हाँ, है, ओके। ओके। फिर हम लोग मंदिर से होते हुए फिर मम्मी के यहाँ पे आ गए थे, और मम्मी सब्जी वगैरह लाई थी मिश्री के लिए, मूंगफली लाई थी। तो ये देखिए मिश्री का स्टाइल, मूंगफलियां खोलने का। अरे लगाया है हम लोगों ने, नहीं दिया है। देखिए, इतनी पिद्दी भर की लड़की, इतना ज्यादा दिमाग, निकाल के दो फूफू खाने को। देखा, दांत से फोड़ते हैं तो हम लोग जूठा हो जाता है ना, इसी वजह से इस बच्ची ने ये ट्रिक निकाला है। तो मुझे तो दो, मैं भी खाऊंगा मूंगफली। दे, हाँ, अरे फोड़ के दो। देखिए दोस्तों, आप मूंगफली फोड़ने का ये स्टाइल। ये कौन है? ये स्टाइल किसी ने सिखाया नहीं है इसको, और ये खुद ही दादी अम्मा है। देखिए, दादी अम्मा कैसे मूंगफली फोड़ रही है। भैया मूंगफली छिटका मार रही है। दे, हाँ, पप्पू के लिए फूड रही है ना? दे थैंक दो, यू। ये देखिए मूंगफली है, मूंगफली को इसमें डालने का। वन 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 रखो, वन वन लेते देखिए ये है मूंगफली, ये देखिए, अब इनको देखिए, एक बार में दो उंगली, आ फूटा, देखा आपने? अरे नहीं भाई, मिस्सी का दे दो पप्पू को। देखिए, कहीं कहाँ गया, भाग गया। देखो हाँ, छिलका हटा दो तो दो, ठीक है। तोड़ के एक अपने रख ली, एक हमको दे दी। देखा, दिमाग है।